लास्ट टाइम हमने देखा आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा जीरो टू, ये एक एक्सप्रेशन, देन अल्फा टी इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा जीरो वन प्लस वन प्लस अल्फा जीरो इनटू टी, दीज टू एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशन का क्या यूज है, अल्फा टी मतलब व्हाट, व्हाट इज अल्फा जीरो, अल्फा जीरो एट टी जीरो, इट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। सो अल्फा टी विल बी व्हाट, इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट टी डिग्री। इसमें थोड़ा चेंज आएगा, मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में कि अल्फा जीरो और अल्फा टी में स्लाइट चेंज आता है। आप अल्फा जीरो कब लेंगे, अगर आपका एक्सपेरिमेंट जीरो डिग्री से स्टार्ट, हाँ कोई दूसरे टेम्परेचर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है देन यू शुड टेक अल्फा टी। जैसे मुझे अगर अल्फा 30 चाहिए, कॉपर का अल्फा जीरो पता है, अल्फा 30 मतलब अल्फा और कॉपर एट 30 डिग्री से, आई विल कैलकुलेट अल्फा जीरो अपॉन वन प्लस अल्फा जीरो इंटू 30 डिग्री, ओके दिस इज द फॉर्मूला। अभी और एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा 1 इज पी 2 माइनस 2, इसका डेरिवेशन हमें करना है अभी, ओके। व्हाट इज अल्फा 2, कोई भी टेंपरेचर, अल्फा 1 कोई अलग टेंपरेचर, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी टी की जगह मैं 1 लूंगा, मान लो अल्फा 1 मतलब कोई एक टेंपरेचर की बात करें, अल्फा 1 विल बी व्हाट, अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 इनटू टी 1 टी 1, अल्फा 2 अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 इनटू टी 2, ओके। अब ये एक्सप्रेशन के लिए क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 टी 1 अपॉन अल्फा 0, सिमिलरली 1 अपॉन अल्फा 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 टी 2 अपॉन अल्फा 0। फिर आप कंसीडर कर लो एलएचएस क्या है, 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन अल्फा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस 1 प्लस अल्फा 0 टी 2 अपॉन अल्फा 0 माइनस 1 प्लस अल्फा 0 टी 1 अपॉन अल्फा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट टी 2 माइनस टी 1, ओके। जस्ट वी हैव टू प्रूव दिस, ये कोई प्रॉब्लम आ सकता है, प्रूव दिस। सो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ये अगर छोटा कोई सम आता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि दिस इज विद अस, कि यहां से हम इस तरह उसको प्रूव करें, ओके। राइट, और देखो ये एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 टी 2 माइनस 1 प्लस अल्फा 0 टी 1, फिर 1 1 कैंसिल अल्फा 0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको क्या आ जाएगा माइनस। सो इसमें कुछ सम्स करते वक्त मान लो आपको कोई ऐसा सम जीरो से स्टार्ट किया, उस वक्त रेजिस्टेंस आर जीरो था कंडक्ट कर रहा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते काम हो गया टी वन और रेजिस्टेंस बन गया आर टी वन, ये एक एक्सपेरिमेंट। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट है, जीरो से स्टार्ट किया जब रेजिस्टेंस था आर जीरो, हम कोई दूसरे टेम्परेचर पे खोलते टी टू, अब जाके रेजिस्टेंस बन गया आर टी टू। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, अभी इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला बनाते
RT जिसको हम RT1 लिखो, RT is equal to what? R0 1 plus alpha 0 T1, इसके ये फॉर्मूला RT2 is equal to R0 1 plus alpha 0 T2, ठीक है? अगर हम रेशियो लेते हैं, रेशियो मतलब RT2 upon RT1 लिया हमने, R0 1 plus alpha 0 T2 R0 1 plus alpha 0 T1, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, RT2 upon RT1 is equal to 1 plus alpha 0 T2 upon, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा, मान लो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, ऐसा मतलब RT1 से T1 से स्टार्ट किया, कहां पहुंच गए T2 तक, और रेजिस्टेंस कहां से काम कर रहा है, ओके, ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आपको अल्फा 0 दिया है, प्रॉब्लम बोला ये तो मैंने बताया है आशीष को, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा दिया है कि एक टेम्परेचर T1 से आप कहां पहुंच गए T2 तक, रेजिस्टेंस RT1 से RT2, ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत बार आपको अल्फा 0 दिया जाता है, अल्फा 0 दिया जाता है, तो ये फार्मूला यूज करके आप मान लो T2 दिया है, T1 दिया है, और ये दिया है, ये पूछा है, आप ढूंढ सकते हैं ये वाले फार्मूले, समझ में आ रही बात, मतलब जैसे कोई व्हीकल है, मान लो नासिक, नासिक की 0 डिग्री, फिर मालेगांव और आगे धुलिया, ऐसा है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, आपको प्रॉब्लम दिया है मालेगांव से धुलिया के लिए, लेकिन रेफरेंस दिया है 0 का, रेफरेंस दिया है नासिक का, तो आप कैसे सोचो, नासिक से मालेगांव और नासिक से धुलिया, फिर आप सॉल्व करेंगे मालेगांव से, समझ में आ रही बात, क्योंकि मालेगांव से धुलिया स्टार्ट सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा T1 लगेगा, लेकिन आपको क्या दिया है, अल्फा 0 दिया, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे, और ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूले की खासियत क्या है, अल्फा 0, समझ में आ रही बात, तो सम सॉल्व करने का एक टेक्निक है कि आपको क्या दिया है, दूसरी एक तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, RT2 is equal to RT1 into 1 plus alpha T1 into T2 minus T1, देखो ये 0 से जब स्टार्ट करते तो 0 0 होता है, लेकिन यहां 0 रहता है, T1 minus 0 रहता है, यहां 0 नहीं लिखते हम लोग, समझ में आ रही बात, यहां अगर T1 T2 वाली बात रहे तो आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या पता होगा कि अल्फा T1 पता हो, मतलब आप कौन से तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फिर डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू दिस, समझ आ रही बात, एनीवे हां एक और तरीका है, आपको ये नहीं पता ना और ये पता है, तो आपने वो फॉर्मूला आपने जो डिराइव किया, व्हाट व्हाट इज दैट, अल्फा T इज इक्वल टू अल्फा 0 1, ये यूज कर सकते हैं, मतलब अल्फा T1 के लिए T1 ये भी एक तरीका, लेकिन बहुत बार सिंपल तरीका ये होता है कि आप 0 रेफरेंस लेके सॉल्व करो,